जोहार नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। माँ ललितांबा के चरणों की पूज्य गुरु जी के सानिध्य में नौ जैसे सभी ब्राह्मणों को आशीर्वाद रूप में रानी की जय, महारानी की जय, अम्बे रानी की जय, महारानी की जय, पहाड़ों वाली महेश्वरी देवी की जय, पहाड़ों वाली महेश्वरी देवी की जय, अम्बे जगदम्बे माता की जय, महापुराण। झारखंड सरकार द्वारा सभी घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को महीने में 100 यूनिट बिजली फ्री दिया जा रहा है। महीने में 100 यूनिट फ्री बिजली पाने के लिए आपको अपने घर में बिजली मीटर लगाना अनिवार्य है। अगर अभी तक आपने अपने घर में बिजली का मीटर नहीं लगवाया है तो आज ही अपने बिजली कार्यालय से संपर्क करें और अपने घर में बिजली का मीटर लगवा लें। बिजली का मीटर लगने के बाद आपको हर एक महीने 100 यूनिट फ्री बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। धन्यवाद। देवी भागवत कथा को जन जन तक पहुंचाया, ओम शक्ति श्री माता के नाम। मेरे सहयोगी दीपक जी महासचिव कमेटी के हैं, दुर्गा प्रसाद जी आशीर्वाद ले रहे हैं। ओम शक्ति श्री माता के नाम। ओम शक्ति श्री माते नमः, ओम शक्ति श्री माते नमः, ओम शक्ति। सभी लोग ध्यान देंगे, जिनका जिनका बिजली का बिल बाकी है उनका कनेक्शन विभाग द्वारा अभियान चलाकर काटा जा रहा है। अगर आपका भी बिजली का बिल बाकी है तो इसे जमा कर दें, अन्यथा विभाग द्वारा आपका कनेक्शन भी काट दिया जाएगा। अगर आपका बिजली का बिल ज्यादा बाकी है और एक बार में पूरा भुगतान नहीं कर सकते हैं तो आप किस्त में भी अपने बकाए बिजली बिल को जमा कर सकते हैं। तो कनेक्शन कटने का इंतजार ना करें और आज ही अपने बकाए का हो गया। हमारे साथ वह वेंकटेश के जो पुजारी है, निरंतर बाबा जी को प्रणाम करते थे, हार पहनाते थे। इस वेंकटेश पुजारी जी से पूछते हैं कि क्या बोलना चाहेंगे इतने महायज्ञ में। बाबा जी स्वयं आकर स्वयं यज्ञ किए। साक्षात परमात्मा मानव रूप में आता है, माँ भी इनका रूप में आया है, उनका आश्रय कराया है। हम लोगों जमशेदपुर वासियों को सौभाग्य है। राम मंदिर की आपकी कमेटी तन मन धन से लगी हुई थी, आप लोग भी प्रसाद में काम दे रहे थे, पूरा जब तक यज्ञ था तो आपके पूरे टीम यहाँ विराजमान थे, क्या कहना चाहते हैं कि राम? मैं यही कहूँगा कि राम मंदिर धन्य है कि प्रभु जी के चरण इस राम मंदिर के प्रांगण में आए और इतने भव्य आयोजन और पूरा क्षेत्र, पूरा मंदिर परिसर जो है यज्ञ और मंत्रों के उच्चारण से जो है यहाँ गुंजायमान हो रहा था और अभिभूत हैं। और मैं चरण स्पर्श करता हूँ गुरु जी का और पूरे मतलब संस्थान का कि इनका जो आयोजक हैं उनका और मंदिर कमेटी ने का जो सेवा का उन्होंने मौका दिया। और मैं बार बार निवेदन करूँगा कि हमें हर साल आपकी सेवा करने का मौका दें और यहाँ पर हम लोग तत्पर हैं और आपके चरणों में हम लोग जो है अपने आप को न्योछावर करते हैं गुरु जी। और इसी के साथ मैं गुरु जी को प्रणाम करता हूँ। कैसे विचार आया कि बाबा को आप लोग इस धरती पे लाने के लिए, जमशेदपुर की? हमने तमिलनाडु में रह के राम मंदिर के बारे में, जब रामचंद्र जी लक्ष्मण के लिए जब ये गए थे तो उन्होंने देवी माई का
ताम्र फूल से अर्चना किए थे तो उसके वास्ते देवी माँ उसका परीक्षा लेने के लिए एक पुष्प छुपा लिया था। तो हमारे मन में आया जो 103 साल दिव्य मंदिर का प्रांगण है राम मंदिर, हमको यहाँ पे बहुत काफ़ी आदमी बोले दूसरे जगह होना है, हम बोला देवी माँ निश्चित करी है जो हमको सहस्रचंडी देवी भागवत का अनुष्ठान जो है अब की बार बिष्टुपुर राम मंदिर का प्रांगण में ही करना है। और हमको यहाँ के जितने भी कार्यकर्ता है राम मंदिर के सब लोगों ने हम लोग को काफ़ी सहयोग किया और नेक्स्ट टाइम चाहते हैं देवी माई हर साल के लिए ये लोग हम लोग को इसी तरह मदद करते जाएं और देवी माई हर साल अपने टाटा बिष्टुपुर वासियों लोगों को सबका कल्याण करे, यही हमारी सबसे निवेदन है और मन की कामना है। ओम शक्ति श्री मात्रे नमः। ओम शक्ति श्री मात्रे नमः। ओम शक्ति श्री मात्रे। बाबा जी आपका ध्वनि फिर प्रकाश डाले क्योंकि भगवत गीता को जो उसको आपने वेंकटेश चरण क्या बोलना चाहेंगे माँ भगवती की तरफ से जमशेदपुर वासियों को और विश्व में शांति उसके लिए भी। ये जो आयोजन प्राप्त हुआ या जो भगवती ने नियंता अपनी नियति के लिए जिन्हें उपकरण बनाई है, सबसे पहले हमारे श्री विद्या शक्ति सर्वस्व परिवार पूरा उसका जो निमित्त बना है उसके लिए हम लोग भगवती के दास हैं, हम लोग भगवती को धन्यवाद देते हैं कि ऐसे सुयज्ञ हमसे करवाती रहे। दूसरे में भगवती ने शब्दावतार लिया था, शब्द का अवतार यानि वांग्मय प्रतिमूर्ति जो है भगवती की श्रीमद् देवी भागवत है जिसमें गायत्री के रहस्यों का सहित भगवती विराजमान है। ऐसे भगवती कृपा करती है तब हमारे अज्ञान को दूर करने का जो सामर्थ्य है वो ज्ञान भगवती ही दिवाती है। जिस प्रकार हमारे भीतर उस ज्ञान का प्रवेश होता है जो हमारे शरीर में अज्ञान छुपा हुआ है, जो कुंडलिनी शक्ति अधोमुख है जो हमारे भीतर करोड़ों सूर्य का प्रकाश जो छुपा हुआ है उस छुपे हुए प्रकाश को उसी भगवती के शब्द अवतार के ज्ञान रूप जब जाकर उसमें समृषित होता है, जिस प्रकार अग्नि में आहुति डालने से तेज आता है वैसे भगवती की कथा और सबको सुनना चाहिए, सुनने से हमारे भीतर वो शब्द जाकर उस कुंडलिनी शक्ति पर जब आहुति पड़ती है तो जो दिव्य प्रकाश पहले से ही मानव के भीतर है लेकिन वह हम लोग अनुभव नहीं ले पा रहे उसकी अनुभूति ज्ञान यज्ञ से होती है, इसलिए ज्ञान यज्ञ करना चाहिए। ओम शक्ति। एडी लाइव का वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद।